हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेमर टॉपर इंडिया यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूं अच्छे होंगे। गाइस आज मेरे साथ दीवाना भाई खेलने वाले हैं और नल्ला भाई। मैंने मैच को स्टार्ट कर दिया और काफी देर मैचिंग के बाद यहां मैच स्टार्ट हो जाता है। दोनों टीम तीन तीन राउंड जीत चुकी होती है और ये सातवां आखिरी राउंड होता है। यहां से मैं थोड़ा आगे जाता हूं और कवर लेके सामने वाले बंदों को देखता हूं। मैं थोड़ा और आगे जाता हूं और लकड़ी के ढेर के पास बैठ जाता हूं, तभी मुझे एक बंदा वॉल के पास दिखाई देता है। फिर मैं वापस पीछे आ जाता हूं और वही बंदा मुझ पे रश कर देता है। मैं यहां पे खुले में आके उसको हेडशॉट मारता हूं, लेकिन वो मरता नहीं है। फिर मैं रश कर देता हूं और यहां पे मैंने किल कर दिया उसका। यहां पे नॉक हो जाता है बंदा और इसको मैं फिनिश भी कर देता हूं। नल्ला भाई को नॉक कर देते हैं और उनको फिनिश भी कर देते हैं। रिपेयर किट मारने के बाद मैं लेफ्ट साइड में थोड़ा आगे जाता हूं, वहीं पर जाके कवर में खड़ा हो जाता हूं। तभी एक बंदा आगे से और एक बंदा पीछे से रश कर देता है, तो मैं सामने वाले बंदे को हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूं और एक बंदे ने मुझे काफी डैमेज दे रखा है, तो मैं उसको मारने की कोशिश करता हूं। तब तक तीसरा बंदा आके मेरे को नॉक कर देता है और मैं दीवाना भाई से बताता हूं कि यहां पे दो बंदे हैं। तभी दीवाना भाई कहते हैं कि रुको मैं उधर आता हूं। मैंने कहा दीवाना भाई उधर ही रहो, यहां पे जोन छोटा हो रहा है, बंदे उधर ही साइड भाग के जाएंगे। दीवाना भाई यहां कवर में खड़े हो जाते हैं और बंदे को देख रहे हैं। सामने वाला एनिमी भी बॉक्स के पास कवर में खड़ा होता है। दूसरी तरफ दूसरे दीवाना भाई तासुया कैरेक्टर का यूज करके ग्लू वॉल के पास जाकर कवर में खड़े होकर थोड़ा फायर करते हैं और सामने वाले एनिमी भी आगे जाते हैं। दोनों ही दीवाना भाई यहां पे रश कर देते हैं। दूसरे दीवाना भाई एक बंदे को नॉक कर देते हैं, जोन भी छोटा होता जा रहा है। तभी दीवाना भाई दिमित्री करेक्टर का यूज करते हैं और यहां पे नॉक हो जाते हैं। दीवाना भाई यहां पे ग्लू वॉल पे फायर कर रहे हैं और सामने वाले एनिमी को मार कर बुइया कर देते हैं। बुइया होने के बाद मैं लॉबी में आ जाता हूं। इस बार मैं किसी भी टीममेट को नहीं बुलाऊंगा, मैं सोलो ही मैच स्टार्ट करूंगा। इस बार काफी देर के बाद मैच हो जाता है स्टार्ट। दोनों ही टीम के दो दो राउंड हो गए हैं। मैं यहीं पे खड़े होकर सामने वाले एनिमी को देखता हूं, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं लेफ्ट साइड की ओर जाता हूं और दीवार के पास थोड़ा सा कवर लेता हूं। तभी मेरे को एक बंदा सामने दिखाई देता है। कवर से हट के मैं सामने वाले एनिमी पे थोड़ा फायर करता हूं और तुरंत ग्लू बॉल डाल लेता हूं। एंड मैं तुरंत एक ग्रेनेड निकालता हूं और सामने वाले एनिमी के ऊपर फेंक देता हूं। ग्रेनेड फेंकने पर कोई फायदा नहीं हुआ, सामने वाला बंदा भी रिवाइव हो जाता है और मैं उसको हेड मारता हूं जैसे ही निकलता है। सामने के तीन एनिमी नॉक हो जाते हैं और मेरा भी टीममेट एक नॉक होता है। सामने वाले एनिमी को खत्म करने के बाद मैं थोड़ा और आगे जाता हूं। घर के अंदर बंदा नॉक है, मैं किल कंफर्म कर लेता हूं और ये वाला राउंड आसानी से निकल जाता है। ये छठवां राउंड है, मैं जल्दी से आगे जाता हूं और यहां पे कवर ले लेता हूं ताकि अपने टीममेट को भरपूर कवर दे सकूं। मैं थोड़ा आगे जाता हूं और सामने मुझे दो एनिमी दिखाई देते हैं, तो थोड़ा सा डैमेज देता हूं। सामने वाले बंदे तुरंत ग्लू बॉल डाल के अपना कवर कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद मैं बैठ कर देखता हूं कि कोई बंदा बाहर निकले ताकि मैं उसको आसानी से मार दूं, लेकिन यहां पर कोई ग्लू बॉल से निकलता ही नहीं। मैं थोड़ा पास में जाता हूं ताकि कोई बंदा मुझ पर रस करे। इतने में ही एक बंदा मुझे थोड़ा सा डैमेज देता है और मेरे दो टीममेट मर चुके हैं। मैं तुरंत ही स्मोक फेंकता हूं तो मुझे 47 का डैमेज मिलता है। जैसे ही मैं ग्रेनेड फेंकता हूं तो ग्लू बॉल से टकरा के मेरे पास ही ग्रेनेड आ जाता है, तो मैं तुरंत ग्लू बॉल डाल लेता हूं। सामने दो एनिमीज दिखाई देते हैं और वो ग्लू बॉल डाल के पीछे खड़े होते हैं, तो मैं भी एक ग्लू बॉल डाल लेता हूं। तभी दोनों बंदे दोनों साइड से मुझ पर रस कर देते हैं और मुझे नॉक कर देते हैं। नॉक करने के बाद मुझे इजिली फिनिश भी कर देते हैं। B4ST भाई हेडशॉट मार के एक किल कर देते हैं और इसे फिनिश भी कर देते हैं। मैंने ST भाई से कहा भाई अच्छे से खेलो, नहीं तो मैच नहीं निकल पाएगा। ST भाई थोड़ा सामने आगे की तरफ जाते हैं, दीवार से कवर लेकर एनिमी को देखते हैं। ST भाई को कंटेनर के पास एक बंदे की लोकेशन दिखाई देती है। फिर मैंने ST भाई से कहा ST भाई थोड़ा वेट करो, बंदे अपने आप इधर निकल के आएंगे। तो ST भाई थोड़ी देर तक वेट करते हैं, तभी एक बंदा निकलता है तो ST भाई हेडशॉट मार देते हैं। फिर उसके बाद एक और बंदा आ जाता है तो ST भाई रश कर देते हैं और रश करने के बाद ST भाई यहां कवर में हो जाते हैं और फिर एक बंदा को बॉडी मार के किल कर देते हैं और बुया निकाल लेते हैं। गाइस ये मेरा पांचवा मैच होता है और मैं यहां पे अपने दो बंदों को बुलाता हूं, गैंगस्टर भाई और MLA भाई को, और एक बंदा हमारा नहीं आता तो हम लोग रैंडम के लिए ऐसे ही चला देते हैं। हमारी टीम दो राउंड और अपोनेंट वाली टीम एक राउंड जीत जाती है और मैं तासुया करेक्टर का यूज करके सामने यहां पे गाड़ी के पास जाके खड़ा हो जाता हूं। मुझे सामने एक ग्लू बॉल दिखाई दे रहा है, वहीं पे एक बंदा भी है। मैं आगे वुडन वॉक के पास जाकर एक बंदे को हेडशॉट मारता हूं और काफी डैमेज देता हूं, लेकिन फिर भी वो नॉक नहीं होता है, ग्लू बॉल डाल के बच जाता है। फिर एक और बंदा आता है तो उसको भी मैं एक गोली मारता हूं, लेकिन वो भी डैमेज ज्यादा नहीं होता है। और यहां पे एक बंदे को मैंने फिर से दोबारा डैमेज दिया, लेकिन फिर भी नॉक नहीं हुआ। अपोनेंट टीम का एक बंदा फिनिश हो गया। राउंड राउंड घूम के मैं बंदे का इंतजार करता हूं। कार्तिक भाई यहां पे एक बंदे को नॉक कर देते हैं और वो बंदा ऑटो रिवाइव भी हो जाता है। हम दो ही बंदे बस
रसते हैं। एक बंदा मुझ पर रस कर देता है, मैं भी उस पर रस कर देता हूँ और पीछे थोड़ा हट के बंदे का इंतजार करता हूँ कि सामने वाला बंदा मुझे दोबारा से रस करे, लेकिन बंदा रस नहीं करता है, वहीं पे रुक जाता है। तो मैं दूर एक बंदे को देखता हूँ और उसको हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। सामने के दो बंदे नॉक पड़े हैं और मैं बोलता हूँ कि आप भी रस कर दीजिए, मैं भी रस कर देता हूँ। तो दोनों मिलकर हम टीममेट रस कर देते हैं एक बंदे के ऊपर, तो वो बंदा कंटेनर के पीछे चला जाता है और ये इधर साइड से मैं भी रस करने के लिए तैयार रहता हूँ और उधर साइड से मेरे टीममेट भी रस कर देते हैं और हम दोनों मिलकर इसका किल कर देते हैं। ये राउंड हम लोग जीत जाते हैं। इस राउंड के बाद दो मैच लगातार हम लोग हार जाते हैं। उसके बाद ये सातवां राउंड और ये फाइनल राउंड होता है। मैं यहाँ से थोड़ा फायर करता हूँ, बंदे को थोड़ा डैमेज दे दिया मैंने और यहाँ पे फिर कवर में खड़ा होकर यहाँ पे एक ग्रेनेड करता हूँ। सामने फायर कर ही रहा था कि तभी तीन तीन ग्रेनेड मेरे ऊपर आ जाते हैं और मैं ग्लू वॉल डालकर बच जाता हूँ। मैं पीछे आता हूँ तो दो बंदे मिलकर मुझे नॉक कर देते हैं और यहाँ पे मेरे टीम मेट दो एक साथ होते हैं और एक बंदा यहाँ पे अपने आप को कवर कर लेता है। तो ग्लू वॉल तोड़ के ये बंदे को हम लोग खत्म कर देते हैं। हमारे टीम मेट तेजस भाई अपने टीम को यहाँ से कवर देने की कोशिश करते हैं, तभी एक बंदा आ जाता है तेजस भाई के ऊपर रस कर देता है। तो तेजस भाई उसे बचने के लिए AWM से फायर करते हैं और वो बंदा पीछे की तरफ चला जाता है और तेजस भाई उस बंदे को नॉक कर देते हैं। मैंने तेजस भाई को कहा तेजस भाई नॉक हुए बंदे को फिनिश भी कर दो, तो तेजस भाई उसको फिनिश कर देते हैं और यहाँ पे तभी तेजस भाई के पास एक और बंदा आकर रस कर देता है। तो तेजस भाई उसको AWM से एक गोली मारते हैं तो वो काफी डैमेज हो जाता है और तेजस भाई भी यहाँ पे नॉक हो जाते हैं। तभी नितिन भाई थोड़ा सा डैमेज देके उस बंदे को नॉक कर देते हैं, तभी कार्तिक भाई को पीछे से डैमेज पड़ता है। कार्तिक भाई दोनों तरफ से अपने आप को कवर कर लेते हैं ग्लू बॉल से। नितिन भाई ग्रेनेड फेंक कर किल कर देते हैं और ये राउंड जीत जाते हैं। उसके बाद एक और मैच हम लोग स्क्वाड में लगाते हैं और काफी देर के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो ये पहला राउंड होता है, हमारे सारे टीममेट एक साथ रहने के लिए मैं बोलता हूँ। मैं वुडन बॉक्स के पास खड़ा रहता हूँ और थोड़ा देर बाद सामने जाता हूँ और यहाँ पे कवर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कोई नहीं दिखता तो मैं फिर वापस पीछे आ जाता हूँ और थोड़ा फायर करता हूँ ताकि बंदा सामने से इधर आ जाए। मैं सामने एक बंदे को देख लेता हूँ और थोड़ा सा डैमेज दे देता हूँ। यहाँ पे मेरा एक बंदा यहीं पे बैठा होता है तो मैं बोलते हैं कि रश करो, तो मैं रश कर देता हूँ और सामने वाले बंदे को मैं काफी डैमेज दे देता हूँ। तभी एक बंदा कटाना लेकर मेरे पीछे पड़ जाता है और मैं उसको हेडशॉट मार के यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। मेरे टीममेट ने एक बंदे को नॉक करके फिनिश कर दिया, एक और बंदा नॉक हो गया और ये राउंड आसानी से निकल गया। एंड ये तीसरा राउंड होता है, दो राउंड हम लोग जीत जाते हैं। तीसरे राउंड में मैं यहाँ से सीधा दौड़ता हुआ जाता हूँ, सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर चला जाता हूँ और मुझे एक बंदा दिखाई देता है तो मैं उसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ। तब तक वो भाग जाता है और यहाँ पे मेरे टीममेट ने दो बंदों को नॉक कर दिया और ये तीसरे बंदे को भी नॉक कर दिया। अभी तक मैंने किसी बंदे को नॉक नहीं किया है, तो यहाँ पे एक बंदा नॉक होता है तो मैं उसको फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे दो बंदे नॉक हुए होते हैं, हमारे भी दो टीममेट यहाँ पे खत्म हो जाते हैं और सामने वाले भी दो एनिमीज ही बचते हैं। दोनों बंदे मिलकर हमारे टीममेट को नॉक कर देते हैं। मैं डायरेक्ट ऊपर से जंप करके एक बंदे को नॉक कर देता हूँ। करेक्टर स्किल का यूज करके मैं एक बंदे को काफी डैमेज दे देता हूँ। उसके बाद फिर रश करके मैं इस राउंड को निकाल लेता हूँ। हम लोग तीन राउंड इजिली निकाल लेते हैं। ये चौथा राउंड होता है और ये फाइनल राउंड होता है। तो यहाँ पे हमारा एक टीममेट यहाँ पे खत्म हो गया और सामने वाले अपोनेंट टीम का भी एक बंदा खत्म हो जाता है। तो हम लोग सारे बंदे क्या करते हैं कि अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद सारे बंदे अलग होके बंदों को ढूंढते हैं। मैं वुडन बॉक्स के ऊपर बैठकर बंदे को देखता हूँ लेकिन बंदे दिखाई नहीं दे रहे। फिर मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ और ऊपर से देखता हूँ, फिर भी मुझे कोई नहीं दिखाई देता। फिर मैं सामने से भागता हुआ आगे जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एक बंदा नॉक पड़ा होता है तो मैं उसको फिनिश कर देता हूँ और एक और बंदा तासुया करेक्टर का यूज करके आगे की तरफ मेरे को डैमेज देता है और मैं उसको नॉक कर देता हूँ। मेरे टीममेट भी मेरे साथ में होते हैं और मेरे टीममेट काफी डैमेज दे चुके हैं। एक बंदा फिर मेरे को डैमेज देता है और मैं फिर ग्लू वॉल डाल लेता हूँ। उसके बाद मैं काफी डैमेज हो जाता हूँ तो एक बोन फायर जला के मैं सुपर मेडिकिट मार रहा होता हूँ कि बंदा मुझ पे रस कर देता है तो मैं उसको हेडशॉट मार देता हूँ और हेडशॉट मारने के बाद हम लोग ये मैच जीत जाते हैं। लगातार 6 राउंड जीतने के बाद अभिषेक भाई बोलते हैं कि एक और मैच स्टार्ट करो, तो मैं जल्दी से स्टार्ट कर देता हूँ। दो राउंड लगातार जीतते हैं और ये तीसरा राउंड है। मैं दूर से एक बंदे को काफी डैमेज देता हूँ, वो बंदा ग्लू वॉल डाल के बच जाता है। यहाँ पे श्रियास भाई को भी किसी ने नॉक करके खत्म कर दिया। हमारे सामने भी तीन बंदे होते हैं और एक बंदा अपना और डैमेज होकर नॉक हो जाता है। मेरे यहाँ पे दो टीममेट नॉक हो जाते हैं और मैं यहाँ पे खड़ा होकर देखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं तासुया करेक्टर का यूज करके सामने ग्लू बॉल के पास आ जाता हूँ। तभी एक बंदा मुझ पे रस कर देता है और मुझे नॉक कर देता है। अब यहाँ पे संदीप भाई बचते हैं, तो संदीप भाई अकेले क्या करते हैं, यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर देते हैं संदीप भाई और संदीप भाई उसको फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे फिनिश भी कर देते हैं। तभी एक बंदा उनको पीछे से मार देता है और हम लोग ये राउंड हार जाते हैं। सामने वाली टीम दो राउंड जीतती है, हम लोग तीन राउंड जीतते हैं और ये छठवां राउंड होता है। मैं दीवार के पास यहाँ पे खड़ा होकर बंदे को देखता हूँ कि कोई बंदा आ तो नहीं रहा है। तो यहाँ पे
मुझे कोई भी बंदा दिखाई नहीं देता। मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ लेकिन कोई भी नहीं दिखाई देता। तभी इतने में मेरे को एक बंदे की लोकेशन आती है, तो मैं थोड़ा आगे भागता हुआ जाता हूँ और मेरे जो टीममेट होते हैं वो मेरे टीममेट आगे होते हैं, तो मैं भी उनके पास जाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे आके छुप जाता हूँ और उसके बाद मैं एक बंदे को देख लेता हूँ और मैं उसके पीछे जाता हूँ और यहाँ पे मैं वुडन बॉक्स के पास आके देखता हूँ कि बंदा निकले तो मैं उसको हेडशॉट मारूं, लेकिन बंदा निकलता नहीं। और अचानक से बंदा निकलता है तो उसको हेडशॉट मार के मैं उसको नॉक कर देता हूँ और मेरा एक टीममेट भी मेरे पास होता है और मैं ग्लू बॉल डाल लेता हूँ और अचानक से श्रियास भाई को भी नॉक कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग तीन बंदे बचते हैं और सामने वाले दो बंदे बचते हैं और यहाँ पे एक बंदे को मैं फिर से हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ और पूरा फिनिश भी कर देता हूँ। गाइस अगर आप भी हमारे साथ खेलना चाहते हैं, रैंक पुश करना चाहते हैं, तो अपना यूआईडी कमेंट में पिन कर देना गाइस।